जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संज्ञा सर्वनाम और लिंग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न उत्तर आपको लेकर आए हैं। मॉक टेस्ट की एक सीरीज जो है निरंतर चल रही है, इससे पहले बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं मॉक टेस्ट पर आधारित। संज्ञा सर्वनाम के एक पहले से एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया, ये दूसरा पार्ट है। समास, संधि, वर्णमाला, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, ये सारे के सारे टेस्ट उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है। दोस्तों, एक और चीज, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें और उसमें सर्च करेंगे IAS स्टडी ट्रिक, तो आपको वहां पर टेलीग्राम ग्रुप में ये ग्रुप मिल जाएगा टेलीग्राम ऐप में, तो वहां पर आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आपको प्रश्न दिया होगा, आपको उत्तर बताना है, चार विकल्प भी आपको दिए होंगे, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है दोस्तों, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नापतोल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, आपको बताना है, तो जल्दी से आप कमेंट में लिखें इसका सही उत्तर। चार विकल्प में से एक सही बताना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प नंबर दो, द्रव्यवाचक। जिन संज्ञा शब्दों के पदार्थों के नापतोल का जो है बोध होता है उसे द्रव्यवाचक कहा जाता है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, जल्दी से आपको बताना है। व्यक्ति, स्थान या वस्तु, है ना, तो क्या कहते हैं, जल्दी से बताएं, तो इसका सही जो उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर चार, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, व्यक्ति विशेष का वस्तु, यहाँ पर लिखा है कि व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, एक ही प्रकार की वस्तुओं का, तो जल्दी से आपको पता होगा उत्तर हो जाएगा इसका सही विकल्प नंबर एक, जातिवाचक संज्ञा, है ना, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। अब यहाँ पर लड़का शब्द दिया है, इसका भाववाचक शब्द आपको बनाना है, तो जल्दी से कमेंट में लिखें कौन सा उत्तर सही होगा, तो इसका सही जो उत्तर होगा विकल्प नंबर तीन, लड़कपन। लड़का का लड़कपन जो होगा वो भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, जल्दी से आपको बताना है, तो बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा होगी, जल्दी से बताएं, उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा विकल्प नंबर तीन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जल्दी से चार कमेंट आपको दिए हैं, चार विकल्प आपको दिए हैं, चार में से एक का उत्तर आपको बताना है, तो यमुना जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो यमुना, है ना, यमुना ये व्यक्ति विशेष मतलब किसी का नाम है, नदी का नाम है, तो यमुना। मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है, मित्रता से भाववाचक संज्ञा बनी है, तो किससे बनी है, सर्वनाम से, जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, किससे बनी है मित्रता, तो जातिवाचक संज्ञा से। मित्र क्या है, मित्र है जातिवाचक संज्ञा, और मित्रता की बात आ जाती है तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। इस प्रकार से ये मित्र जातिवाचक संज्ञा से मित्रता जो शब्द बना है वो भाववाचक संज्ञा बन गया है इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जल्दी से बताएं, चार में से एक का उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदर। सुंदर जो है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा छांटिए, भाववाचक संज्ञा छांटना है आपको, जल्दी से बताएं, उत्तर इसका सही होगा करुणा। करुणा जो है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, लेखक है, शिक्षक है, वकील है, चौथा विकल्प नंबर इसका चार जो है वो सही हो जाएगा मीठा, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है तो गंगा, गंगा नदी का नाम है, अगर नदी दिया होता तो जातिवाचक संज्ञा में आएगा, लेकिन गंगा नाम दिया है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर दो, छह भेद होते हैं सर्वनाम के। नेक्स्ट है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना, सर्वनाम के छह भेद हैं, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद हैं, तो कितने हैं, तीन भेद हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इस प्रकार से हमने पढ़े हैं। मैं आगरा खुद चला जाता हूं, मैं सर्वनाम है, आपको सर्वनाम बताना है कौन सा सर्वनाम है,
इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दो, निजवाचक सर्वनाम। इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन आया है में सर्वनाम है, कौन आया है में सर्वनाम कौन सा है? आपने सर्वनाम पढ़े हैं, इसका सही उत्तर होगा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक चिन्ह भी इसमें लगा है, तो कौन आया है, इस प्रकार से प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें हो जाएगा। संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होगा संज्ञा का उदाहरण, जल्दी से कमेंट में लिखें। तो वह जो है संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा, वह जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है सर्वनाम। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में समूहवाचक संज्ञा होगी। अब समूहवाचक संज्ञा कौन सी है आपको बताना है, समूहवाचक। तो इसका सही उत्तर होगा सभा। सभा जो है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। अगला प्रश्न है, आज देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। रेखांकित शब्द दिया है हरिश्चंद्रों, तो हरिश्चंद्रों में कौन सी संज्ञा है, यहाँ पर जो रेखांकित दिया है वाक्य में प्रयोग है, इसलिए आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा जातिवाचक संज्ञा। विकल्प नंबर चार इसका सही हो जाए, हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, मतलब यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अहंकार शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, जल्दी से बताएं। उत्तर होगा विकल्प नंबर तीन, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है अहंकार शब्द। नेक्स्ट है, मिठास शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, मिठास शब्द जल्दी से बताएं, मिठास शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है मिठास। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द में संज्ञा हमें बतानी है, देश रत्न में कौन सी संज्ञा है, जल्दी से कमेंट में लिखना है। उत्तर हो जाएगा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, जातिवाचक संज्ञा बताएं। चार विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, जातिवाचक आपको संज्ञा बतानी है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर एक, लड़का। लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा का बोध करवाता है। लड़का में जितने भी लड़के आएंगे सारे के सारे लड़के, मतलब जातिवाचक संज्ञा, लड़कों की एक जाति हो जाएगी। जो देता है सो लेता है में सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है कमेंट में लिखना है आपको, जो देता है सो लेता है। उत्तर इसका सही हो जाएगा विकल्प नंबर एक, संबंधवाचक। कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, वह कुछ लाया था में सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, वह कुछ लाया था, जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर दो, अनिश्चयवाचक। वह कुछ लाया था, मतलब निश्चित नहीं है, कुछ लाया था, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है हमें, चार विकल्प हैं, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर चार, कुटिया जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर तीन, गीदड़ी। गीदड़ का स्त्रीलिंग गीदड़ी। नेक्स्ट है, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, जल्दी से आपको कमेंट बताना है। चार विकल्प हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा वचन। शब्द के जिस रूप से एक अनेक का बोध होता है उसे कहते हैं वचन। इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है, जल्दी से बताएं, इनमें पुल्लिंग शब्द बताना है। चार विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं, तो इसका सही उत्तर होगा क्या, आचरण। आचरण क्या है, पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा दोस्तों सुंदर। सुंदर जो शब्द है विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। भलाई, अपनापन, पढ़ाई, ये सारे सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो चार विकल्प हैं, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर चार, मीठा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग हमने 30 प्रश्नों पर चर्चा की। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये क्वेश्चन कैसे लगे, और आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं, जरा कमेंट के माध्यम से हम बताएं। और निरंतर इसी प्रकार से हिंदी की मॉक टेस्ट सीरीज जो है चल रही है, आप जरूर इन प्रश्नों को देखते जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि निरंतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप पीजीटी की कर रहे हैं, टीजीटी की कर रहे हैं, नेट की कर रहे हैं, इनसे संबंधित जो मटेरियल है, हिंदी से संबंधित हो, इतिहास, राजनीति, जिससे भी संबंधित हैं, उससे वो सारे के सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। और हिंदी साहित्य का तो लगभग मैंने संपूर्ण कोर्सेस
से संबंधित वीडियो डाल रखे हैं। व्यवस्थित प्लेलिस्ट भी आपको मैंने बना के दी है। एमपी जीके से संबंधित मैंने प्लेलिस्ट बनाई है और महत्वपूर्ण जीके से संबंधित ट्रिक बनाने का भी मैं प्रयास कर रहा हूँ और वीडियो मैंने 3-4 वीडियो डाल के रखे हैं, आप वो भी देखें। आपको अगर अच्छे लगते हैं तो और भी आगे ट्रिक वाली वीडियो बनाना जो है हमारा प्रयास रहेगा। इसी तरह से आपको जुड़े रहना है और एक सबसे बड़ी बात जो है कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। वहां पर मैं सारी की सारी पीडीएफ उपलब्ध करवाता हूँ और बहुत सारे लोग उसमें जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, आपको प्ले स्टोर में क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम ऐप को आपको डाउनलोड करना है और उस टेलीग्राम ऐप में आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक, तो वहां पर आप ज्वाइन हो जाएंगे। सब्सक्राइब कर लेना तो ज्वाइन हो जाएंगे और उस ग्रुप में निरंतर जो है पीडीएफ अपलोड होती रहती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। निरंतर वीडियो अपलोड होते हैं इस चैनल पर और पीडीएफ भी दी जाती है। मैंने एक वीडियो में अलग से लिंक दी है पीडीएफ की, तो आप देख सकते हैं बहुत सारी पीडीएफ मैंने एक वीडियो में पूरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ और अपने मित्रों तक उसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टेस्ट सीरीज चल रही हिंदी की, इसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उस प्लेलिस्ट को आप देखें, पूरी की पूरी व्यवस्थित प्लेलिस्ट है। आप MPSI पुलिस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, उससे संबंधित मैंने व्यवस्थित जो है प्लेलिस्ट बनाई है, जरूर आप पढ़ें और निरंतर कमेंट के माध्यम से बताएं जिस भी विषय की आपको जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।